Dear students, in this module, we are going to talk about Pakistani society and culture. Uh, Pakistan, ke mein, ke aap, you being a Pakistani, you know pretty well about that how people are living. You yourself being Pakistani is constantly observing uh, the different cultural traits and observe karte hai, experience bhi karte लेकिन कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं कुछ ऐसी कल्चरल ट्रेट्स हैं जो बड़ी डोमिनेंटली रिफ्लेक्ट होती हैं अ पाकिस्तानी आप शायद यू कैन आइडेंटिफाई द बाय द ड्रेस कोड यू कैन आइडेंटिफाई अ पाकिस्तानी फ्रॉम हिज और हर फूड हैबिट्स और एंड हिज़ और हर वे ऑफ टॉकिंग और जनरली आवर डेली लाइफ सोशल कस्टम्स आवर बिलीफ सिस्टम आवर रिलीजियस वैल्यूज एंड आवर मॉरल एंड एथिकल इंटरप्रटेश सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू टू बी टू बी अंडरस्टुड और टू बी ऑब्जर्व्ड जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं तो असल में हमें ये देखना चाहिए कि जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशनस हैं और उन इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद जो रोल्स हैं जो सोशल पोजिशन हैं जो स्टेटस हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं आल दो की पाकिस्तानी सोसाइटी जो है एक आइडेंटिकल हैजमनिक या एक होमोजेनिक होमोजनस कलेक्टिव कल्चर की रिफ्लेक्शन नहीं है उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस मौजूद हैं जिनके ऊपर हम uh, बात करेंगे अगले कुछ मॉड्यूल्स के अंदर और फिलहाल हम ये देखते हैं कि एक प्रिडामेंट रोल जो है माइक्रो लेवल से किस तरह से फैमिली uh, इंस्टीट्यूशन का होता है जो कि एक मेजर है होती है आपके कल्चर की तो पाकिस्तानी सोसाइटी की जो फैमिली है एज आ यूनिट उसमें दोनों तरह के आपको वेरिएशन uh, मिलती है जैसे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी मौजूद है हमारे यहाँ और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम भी मौजूद है तो ज़्यादातर आपको एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम मिलता है रूरल एरियाज़ के अंदर अर्बन एरियाज़ में चूँकि Uh, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का है आपके लिविंग पैटर्न इस तरह के डेवलप हो चुके हैं जिसमें न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और फैमिली सिस्टम में जो पैट्रियार्की है ये एक प्रीडोमिनेंट रोल रखती है एज यू नो के मेल जो है वो जनरली हाउस ऑफ द हेड कंसीडर होता है आल्व के माशरे के अंदर एक बड़ी डिबेट इस वक्त चल रही है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि खातन का रोल क्या होना चाहिए खातन की स्टेटस और सोशल पोजिशन को किस तरह से हम इक्वलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग मेल के स्टेटस के और उसमें जो uh, ये जो रोल और स्टेटस की जो ये कंटिन्यूस टसल है ये हमें फैमिली इंस्टीट्यूशनस के अंदर भी देखने को मिलती है एंड पीपल लिव इन इन ग्रोप्स तो ग्रोप्स uh, की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो uh, रीजन टू रीजन भी वेरी करती हैं और फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो वेरिएशंस uh, हैं वो भी इसी तरह से डिफरेंट रीजनस के अंदर वो आपको उसमें एक ख़ास वेराइटी मिलती है एल्डेस्ट मेल जो होता है वो चूँकि पेट्रियारकल सिस्टम के अंदर कंसिडर होता है कि जो बूढ़े हैं जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं तो इस वजह से उनको हाउस ऑफ हेड ऑफ द हाउस कंसिडर किया जाता है Uh, इसी तरह जो विमेन हैं उनका रोल uh, सेकेंडरी तो कंसीडर किया जाता है लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी भी पोजीशन uh, के ऊपर कि वो फैमिली के अंदर उनकी uh, उनका रिलेशनशिप क्या है अगर तो माँ जो है वो एल्डेस्ट है तो फिर डेफिनेटली माँ को uh, एक रिस्पेक्ट uh, दी जाती है और उसके हवाले से उसको ही हाउस का हेड uh, कंसीडर किया जाता है सोसाइटी uh, में जो फैमिली uh, इंस्टीट्यूशन की जो एक मेजर डिस्टिंक्शन है वो उनके सोशो अकोनॉमिक स्टेटस के साथ भी व्यवस्था है uh, जैसे uh, जो वेल्दी सोसाइटीज़ हैं या जो लैंड uh, ओनर्स uh, हैं उनके यहाँ जो डिस्टिंगशनस uh, हैं uh, वहाँ पे ये ख़ास तौर पे uh, ख़्याल रखा जाता है कि जो uh, मर्द और औरत के दरमियान एक ख़ास तरह का जो डिफरेंस uh, है वो मौजूद रहे और उस डिफरेंस को मरहूज खातिर रखते हुए कोशिश ये की जाती है कि जो गैदरिंग्स हैं जो जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर वहाँ पर भी जो औरतों और मर्दों की गैदरिंग है उसमें उनको उनको मिक्स ना किया जाए देन अमंग द रूरल पुअर वेमेन दे हैव द ड्यूटीज टू परफॉर्म लाइक हाउस होल्ड चोर्स तो होते ही हैं घर के काम काज तो उनको करने ही पड़ते हैं इसके साथ साथ जो है वो उनको फार्म्स के ऊपर जो है खेतों में भी मर्दों का हाथ बटाना पड़ता है और हम ये देख रहे हैं कि माशरे जो के मॉडर्नाइजेशन की वजह से मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से सोशल मीडिया से, के अराइवल से मोबाइल टेक्नोलॉजी के अराइवल से इंफॉर्मेशन के फ़्लो से जो है वो रैपिडली चेंज हो रहे हैं तो ये मॉडर्नाइजेशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको पाकिस्तानी माशरे के ऊपर भी मिल रहे हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर ख़ास तौर एक मेजर uh, चेंज जो इस वक्त आ रहा है वो आप देखेंगे कि uh, जो uh, ज, जिन फैमिलीज़ uh, में ख़वाशनल प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्टेटस के ऊपर मौजूद हैं प्रोफेशनली इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट uh, कर रही हैं उनको फैमिली uh, um, में जो है वो एक ख़ास वेटेज हासिल होती है उनके बात को एक ख़ास वेटेज दी जाती है रेलेटिवली uh, उनका जो स्टेटस है वो हायर कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन अर्निंग फीमेल के तो इकॉनमी uh, जो है वो एक रोल प्ले कर रही है या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है उससे जो ओवरऑल जो फैमिली इंस्टीट्यूशन की कंपोजिशन है उसमें भी uh, एक रोल एक uh, आपको चेंज uh, नज़र आ रहा है फैमिली के हरारकी की अंदर भी आपको एक चेंज मिल रहा है और जो पावर पोजिशन हैं आ, या बैलेंस ऑफ पावर है उसके अंदर भी एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है जबकि मिडिल क्लास फैमिलीज में भी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन एक आ, आ, ट्रेंड के तौर पे बड़ा एक्सेप्टेबल है बहुत डिज़ायरेबल रादर बन चुका हुआ है फीमेल फीमेल <coughs> के हवाले से वेमेन एजुकेशन के हवाले से एंड मैनी वेमन आर गेनिंग दिज डिस्टिंगशन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल सो हेर आर सर्टन एग्जाम्पल्स Uh, ये पिक्चर्स के अंदर आपको uh, रि कुछ रिफ्लेक्शंस नज़र आएंगे